नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा और आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात। नमस्कार, मैं गौरव बच्चे स्वतंत्र प्रभात से। जैसा कि हम लोग हमेशा से ही कुछ ऐसी जन समस्याओं से आपको रूबरू कराते आ रहे हैं जो जुड़ी है आपसे। जी हाँ, उनका सरोकार सीधे उन जिम्मेदारों से है जो किसी भी तरीके से उन समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। जी हाँ, इसीलिए समस्याओं पर बहुत कड़ा प्रहार हमारी स्वतंत्र प्रभात की पूरी टीम कर रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में उन समस्याओं को सुनने के लिए निखिल अग्रवाल के साथ में है। आइए चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या समस्या है। कोरोना काल में क्या कुछ खास प्रभाव पड़ रहा है, हमारे साथ में निखिल अग्रवाल जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो अभी कोरोना जो चल रहा है उस पर क्या जो आपका जैसे तीव्रपाल है आपका जिस क्षेत्र में है तो उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ा हम लोग को, लॉकडाउन का बहुत ही खराब असर रहा और खासतौर से जो ऐसा भी चलन रहा है पहले की गवर्नमेंट भी रही है, एक सिस्टम ऐसा चला रहा है कि मिडिल क्लास को हमेशा इग्नोर किया गया है, तो उसके फलस्वरूप हम लोग को भी बहुत नुकसान रहा। अब जो गवर्नमेंट की रही प्रेजेंट गवर्नमेंट को तो मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, ये सिस्टम ही ऐसा बना है कि हम लोग को हमेशा ही इग्नोर किया गया है मिडिल क्लास को। तो इसमें हुआ क्या कि मजदूरों को आपने खूब हेल्प करी, खूब अच्छे से हुआ, हमको भूल गया, हमारे इतने मॉरिटोरियम भी दिया गया हमको, तो उसमें बोला गया कि साहब आप किस्तें नहीं देंगे, लेकिन किस्तें पे इंटरेस्ट तो रोड ही रहा, मतलब मैं काम नहीं कर रहा हूँ पैसे पे, लेकिन मेरे पैसे पे वो इंटरेस्ट चलता जा रहा है, तो मेरे पास तो व्यवहार ही पड़ रहा है। मेरी दुकान बंद है, मेरे पे बिजली का खर्चा भी आपने लागू रखा, ऐसा नहीं किया कि बिजली माफ़ कर दी हो या उसका फिक्स एक्सपेंसिस कर दिए हो, कुछ नहीं करा हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया आपने। और हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सब कुछ रहा, हमसे यही अपील की गई कि हम अपने एम्प्लॉइज़ को और अपने साथियों सबको पैसे भी देते रहें, और साथ में गवर्नमेंट ने हमसे ये भी दरख्वास्त करी कि हम कुछ उनको भी डोनेट भी करें, तो कहाँ तक कितना दबेगा ये मिडिल क्लास, ये मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आवाज़ उठाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर क्या आप कुछ सरकार से जो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हम लोग का भी ध्यान रखें, हम लोग भी बैकबोन है एक तरीके से, मिडिल क्लास ही एक है जो टैक्स दे रहा है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर। अगर गवर्नमेंट क्लेम करती है कि 5% 10% लोग भी टैक्स दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर लोग तो मिडिल क्लास ही हैं, नीचे वाला क्लास कोई दे ही नहीं रहा है टैक्स, तो हम ही लोग के भरोसे चल रहे हैं और हम ही लोग को इग्नोर कर देंगे तो कैसे होगा, तो थोड़ा ध्यान दें। हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने दुख को आगे देखते नहीं हैं, हम लोग तो वैसे लोग हैं कि कुछ अंदर से परेशान नहीं है तब भी हम लोग जल्दी बताते नहीं हैं, अपने काम में लगे रहते हैं कि हमको लगता है कि हमको तो GST भरना है, हमको तो इनकम टैक्स भी भरना है, हमको हाउस टैक्स भी देना है, हमको वाटर टैक्स भी देना है, हमको सारी चीज़ें देनी, तो हम उसी में काम में लगे रह जाते हैं, अपनी आवाज़ उठती ही नहीं है हमारी। तो इसी कारोबार को आगे बढ़ाने का काम हमारी स्वतंत्र भारत की पूरी टीम करती चली आ रही है, जब तक सरकार को नहीं सुनाई देगा इसी तरीके से हम लोग करते रहेंगे हल्ला। मैं प्रियंका के साथ बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए समाचार को सब्सक्राइब करें।